इंतखाबात के मौके पर तालीम इदारों में 8 छुट्टियां होंगी। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 को पोलिंग होगी और इस मौके पर तालीम इदारे 8 दिन के लिए बंद होंगे। 4 फरवरी को इतवार, 5 फरवरी को कश्मीर डे, जबकि 6 से 10 फरवरी तक आम इंतखाबात की छुट्टियां होंगी। 11 फरवरी को इतवार होगा और इस तरह 8 छुट्टियों के बाद 12 फरवरी को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खुलेंगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नतीजे का ऐलान 9 फरवरी की रात 1 बजे किया जाएगा। इलेक्शन के दिन मुल्क भर से रिजल्ट बर वक्त इलेक्शन कमीशन भेजने के लिए तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि तमाम हलकों के रिटर्निंग अफसरान को 3-3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स फराहम किए जाएंगे। इलेक्शन 2024 में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम IMS का इस्तेमाल किया जाएगा। RTS सिस्टम बैठने की वजह एक वक्त में एक डेटा एंट्री सिस्टम था और नतीजे मौसूल होने में ज्यादा वक्त लगा। इलेक्शन 2024 साफ शफाफ कराने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ROs को फाइबर ऑप्टिक्स की सहूलत मैसर होगी और मुतबादल के तौर पर वाईफाई डिवाइस भी दी जाएगी।